हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। विस्तार का इंग्लिश मीनिंग होता है एक्सपेंशन, डिटेल, ब्रेथ और स्प्रेड। कुछ सेंटेंस के द्वारा समझते हैं कि डेली लाइफ में इसका उपयोग कैसे होता है। तो पहला सेंटेंस है, निबंध को विस्तार से लिखना चाहिए। निबंध को विस्तार से लिखना चाहिए। द एसे शुड बी रिटन इन डिटेल। द एसे शुड बी रिटन इन डिटेल। एक और सेंटेंस है, समझते हैं। उसने अपनी बातें विस्तार से समझाई। उसने अपनी बातें विस्तार से समझाई। ही एक्सप्लेन्ड हिज वर्ड इन डिटेल। ही एक्सप्लेन्ड हिज वर्ड्स इन डिटेल। ऐसे ही मज़ेदार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।